सभी बहुत बढ़िया होंगे, तो पीछे से पता चल रहा होगा टी ए वी में हूँ आज। और सीन ऐसे है कि अब जैसे डिग्री ख़त्म हो चुकी है एंड सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने आए हुए हैं, यानी शोर मतलब मैक्सिमम सभी आज ही आएंगे, तो अभी मिलते हैं। अभी हम सिक्योरिटी सप्लाई करने जा रहे हैं, तो बताते हैं कहाँ से करनी है। मतलब नए स्टूडेंट जो पुराने भी हैं उन्हें ये होगा कि कहाँ पर होंगी कहाँ पर नहीं, तो अब भी हम जा रहे हैं सिक्योरिटी अप्लाई करने। बताता हूँ आपको कहाँ से करनी है, अकाउंट्स में से। मिल गए मुंडे, मिल गए महाराज महाराज। की हाल चाल है एकदम की हाल बस और सच्चे काम उधर स्मेल बड़ी आ रही है इधर शिवाड़े हमने अभी इधर जाना है भाई, अंदरों ही करा लेने यार, देखते हैं अगर बनती गल। नवा सर आया था वधिया, उदा जो जानता था वधिया भाई। हमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, यहाँ से हम पहले सबसे पहले सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे, वो पोर्टल से अप्लाई होगी मेरे ख्याल से। अभी देखते हैं कैसे करना है, खुद बताता हूँ। डेविस पोर्टल से ऑनलाइन हमें कोई प्राइवेसी ग्लास के चक्कर में दिख नहीं रहा है, यहाँ से अप्लाई हो रहा है। ये ना सिक्योरिटी बैंक डिटेल्स, ये पढ़ना पड़ना, तो भी यहाँ से अप्लाई होता है हमारा यहाँ सर से। बस एक बार पास करवाना होता है सिक्योरिटीज़ का, और उसके बाद जो है हर एक डिपार्टमेंट से, वो बताता हूँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपको क्लियर करानी पड़ेगी। मॉड्यूल में जैसे लाइब्रेरी, हमने हॉस्टल यूज़ किया था, हॉस्टल की ऐसे ऐसे होता है आगे आगे, वो अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। मॉड्यूल अप्लाई करने के बाद हमें ये चीज़ें सारी क्लियर करनी पड़ेंगी, तो एक एक पास एक एक बंदे के पास, जैसे पहले हॉस्टल में इन्वॉल्व हो गया सेंट्रल स्टोर रिकॉर्ड सेल, एक एक के पास जाकर हमें सारी चीज़ें क्लियर करवाएंगे, फिर अगर नोडी होता। अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगा सबके साथ, ओके करना साल में पहले सबसे पहले शिवानी हाय हरसिमरन, मैं डाल सकता हूँ ना यूट्यूब पे इनको बाद में बोलेंगे ऐसे पूछा है नहीं। तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे सेंट्रल स्टोर, काश भाई और ये भी एक भाई मिल चुके हैं, पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था पहले मैं आज भी करना, मैं एक दिन कुड़ी ने गई पास्ता बना के दूंगी मैं आज भी बोलना, मैं सेकंड ईयर तो पास्ता आ रहा है अभी तक। भैया हमें यहाँ पे सेंट्रल स्टोर के जैसे आई कार्ड वगैरह का यहाँ पे हमें सबमिट करना पड़ता है, यहाँ से क्लियर होता है। फिर सेंट्रल स्टोर पेंडिंग ही आ गया यहाँ पे, उसके बाद ये क्लियर होने के बाद हमें जाएंगे रिकॉर्ड सेल, इधर जो जो मिलता है पैसे फिर हमें क्लियर करवाना है। रिकॉर्ड सेल है यहाँ पे एडमिशन ऑफिस के नाम से, अब हमें जाना पड़ेगा ऊपर, बताते हैं अभी नए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, इनको नहीं पता है कि कहाँ पे जाना है। ये फर्स्ट फ्लोर पे आके उसी आगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिकॉर्ड चल, और ये रिकॉर्ड चल। तो हमें मिल गया कुसुम, हेलो कैसे और बढ़िया, आज आ गई हमें और रिकॉर्ड सेल और सेंट्रल स्टोर का काम हो गया, अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से नोट यूज़ क्लियर करवाएंगे क्योंकि वहाँ पे कार्ड सबमिट होते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी का क्लियर होने के बाद एसी ब्लॉक जाएंगे, एसी ब्लॉक में भी कुछ है सिक्योरिटी क्लियर करवानी है। बिल्कुल राहुल सर तो जाएंगे।
हिमानी और सिमरन गए हैं लाइब्रेरी का ऑडियोज क्लियर करवाने और मैं आपने मेरे बैठे हैं यहाँ पे। आप देखते हैं गर्मी बहुत है। अब इसके बाद जाएंगे हम एसी ब्लॉग, एसी ब्लॉग से कुछ ऑडियोज क्लियर करवाने और देखते हैं कैसे बनता सीन बनी। ये लाइब्रेरी का काम हो गया और शिवानी जाए ही हॉस्टल, तो अब हम जा रहे हैं एसी ब्लॉग। एसी ब्लॉग में से कुछ काम करवाएंगे और उसके बाद कैसी है प्रतीक्षा? आज तो ले सकता हूँ व्लॉग, आज तो अंदर ही है। चलो मैं पहले बता दूंगा, दिखा दूंगा फिर, ठीक है? क्या वीडियो? हाँ ठीक है, दिखा दियो। शाम को मिलते हैं। ठीक है शाम को मिलते हैं। हाँ शाम को आज पक्का। क्या मतलब हूँ आप की करिए मैंने सोल्यूशन दिता कोई सोल्यूशन यार गया। अबे तूने चेंज नहीं किया रात का? चल भाई करता मैं, सॉरी ब्रो वाला। हाँ सो के उठा। यार हमारा डीएमसी नहीं बना के दे रहे, दे रहे। अरे तेरी इतनी चलती है, तू बात करना अंदर नहीं है। ओ, मिल गए मिल गए, बिछड़े भाई मिल गए। अगर डीएमसी से मिल गया तो प्रोविजनल लंच टाइम तो बाद मिल दूंगी। भाई एक बज गया, लंच टाइम होने वाला है, तो अब हम सोच रहे हैं कि डीएमसी का हो जाए तो फिर हो जाएगा। यहाँ पे हमें डीएमसी मिलती है, पानी भी लेना चाहिए। बिल्कुल हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड रहना चाहिए। यहाँ मिलेगी आपसे अर्शन मिल गया अपना पुराना वाला डिग्री तो नवीन 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 नहीं तो पढ़ा रही किधर देनी किधर गेट हाँ हाँ रेडी ये ऐसा है कुछ माहौल चल रहा हमारी कैंटीन का। ये हमारा क्यूट किड, मैंने कहा अभी अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में पता नहीं कब मिलेंगे। देखते हैं अनमोल वगैरह का पता। Meanwhile पांच
फर्स्ट ईयर दे आओ फर्स्ट ईयर दे होने बच्चे वन ऑर्गेनिक डिस्ट्रॉयर ऑल लाइफ वन ऑर्गेनिक भाई है तो सच ही है मनवीत है टाइगर ज्योति मार्केट तो लिया फिर जो ऐसा खिचा लगे ने सारा पागे सटी भैन चो मनवीत है बाहरली लाइट ही नहीं जल्दी उड़ाती भी है सोना वो लग गया चल ये जांदी कर बदल हो गया मैं सच्ची यार मेरे लग रहा है सही मेरी बंदेरा जबर है शीशा देखा ना बाल मेरे लग रहा है भाई दो मुंडियां ली प्रपोज पक्के है एक अपना ही हो गया सोना मुंडा एक क्यूट के चल तेरे तो सहेली हैगी है अप्रोच में एनी टाइम अप्रोच में एनी टाइम यार इदी उठा के ले आया तुम लोगों हाय 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 हेलो 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 कैसे हो तू क्यों शर्मारी है नहीं कहाँ शर्मारी है एक तो नींद हो साइलेंट तो कल जा रहा हूँ ना कल मेरा फोन साइलेंट नहीं था मेरा फोन भी साइलेंट पड़ा था पता है फिर कौन रह गया था नींद में उठाया था इसने उठाया था आज इसका नहीं था साइलेंट और ये हमारा एसी ब्लॉक एबी वन एबी टू और ये हमारा हॉस्टल के लिए रास्ता है पहले भी देख चुके आप सब लोग और इधर अभी आपको इधर पीछे वाला दिखाएंगे हम क्योंकि ये मंकी पॉइंट कहाँ गया हाँ ये मंकी पॉइंट है तो ग्रेवयार्ड है पहले यहाँ पे अंकल होते थे बड़ा मस्त फ्राइज वगैरह यहाँ पे बनाते फ्राइज नहीं पास्ता और फ्राइज रोल और पहले इधर स्टॉल्स वगैरह होते थे और मैकेनिकल डिपार्टमेंट इधर है दीपांशी तेरा डिपार्टमेंट कौन सा है किधर है राइट इधर तुम सभी का थर्ड फ्लोर यहाँ पे ये बस मंकी पॉइंट लवर पॉइंट कुछ भी कह लो अगर शांति मिलेगी तो जोड़े मिलेंगे यहाँ पे वही तू ऊपर जा रही है तेरे को अलग से अटेंशन मिलेगी यहाँ पे आ गया ना हाँ हाँ अलग से कोई प्राणी तो दिखना चाहिए हाँ कोई प्राणी तो अलग से दिखना चाहिए उड़ने वाली है उड़ो ये डीएवी का ही है सारा एग्रीकल्चर वाले यहाँ पे लगाए होते हैं इन्होंने खेती करने हाँ यार ये हमारा ग्रेवयार्ड है पीछे और ये बैच लगे होंगे कौन से बैच ने कितना काम किया क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर वालों से काम करवाते हैं और यहाँ पे बड़ी सही हवा चलती है ये भी थी बात और वो हमारा डिपार्टमेंट वहाँ से हम खड़े होके बस नज़ारे लेते थे जब बारिश होती थी हमारी ना यहाँ पे कहीं पे क्लास है और ना यहाँ पे लड़कियाँ ना फोटो खिंचवा रही होती थी देख नहीं रहे होते थे भगाते थे उन्हें वहां से और यहाँ पे था एसी ब्लॉग अरे एबी वन एबी टू ये कनेक्टेड ब्लॉग है एंड मतलब ना पता क्या है ये मैकेनिकल की वर्कशॉप है और यहाँ पे ना घोड़े वगैरह अस्तबल बनाया हुआ है जब घोड़सवारी वाले आते हैं ना तो यहाँ पे अच्छा अच्छा
और इधर इनकी बागवानी सी, और यहाँ पे बैठ के हम अपने एग्जाम वगैरह तैयार करते थे। एसी ब्लॉक का व्यू, और एसी ब्लॉक इसलिए कहते हैं, यहाँ पे एसी ब्लॉक में सिर्फ एसी है, और यहाँ पे पढ़ते हैं एक अपने कंप्यूटर साइंस बीसीए एमसीए और एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, बस यही ब्लॉग है। और मैथमेटिक्स है, और सिविल डिपार्टमेंट को अभी ऊपर अलॉट हुआ है ये, और किसी के पास एसी उसी नहीं है इधर। मैकेनिकल की एक लैब में एसी है, और ये है हमारी फाउंड्री लैब। ये हाल है यहाँ के हो रखे, और बस भाग के मेरे को छोड़ के। और अगर उधर से आपको लेके नहीं जाने दे रहे खाने के लिए, तो ये भी खुला होता है, यहाँ से जाने देते हैं खाना पीना ऊपर आगे इसी में बैठ के यहाँ से खा लो। और ऐसी ब्लॉग इसे ऐसे कहते हैं, वैसे एकेडमिक ब्लॉग है इसका नाम। और ये है, हाँ यहाँ से मैकेनिकल की लैब्स को रास्ता है, जो फर्स्ट पहले टाइम आते हैं उनको पता नहीं होता। ये वाला कभी खुला ही नहीं है। और यहाँ से ये एसी ब्लॉक से रैंप निकलता है, और यहाँ से निकल के ये कच्चा रास्ता है, ये जाके मिलता है गर्ल्स हॉस्टल के लिए, आपको उधर से आना पड़ेगा, और ये सीधा जाके मिलेगा कैंटीन वाली साइड पे। और ये अमरूद का बाग यहाँ लगे हुए हैं, बस चली हुई है सारा सिस्टम। और बस अब जाके हम कॉफ़ी पियेंगे, आपको कैंटीन का भी पता ही है, फिर भी दिखा देते हैं एक बार और, क्योंकि अब तो जाने वाले, फिर देखेंगे कब आते हैं यहाँ पर वापस। ये था हमारा गर्ल्स हॉस्टल, सही है दिखाने के लिए, और क्या है। और ये तो आपको पता ही है, जब अंदर गाड़ी हो इधर तो लगाने नहीं देते कैंटीन के सामने, तो हम यहाँ पे घुसेड़ देते हैं इधर। फिर वैसे बस स्टैंड है, एक ही बस खड़ी है, बाकी ठेके पे दी रखी होंगी उन्होंने, और क्या, जब बच्चों को छोड़ने गया। पुराना होटल अंदर बंद होगा, मन भी तो बंद होना ना अंदरों, हॉस्टल पुराना। ये हवन कुंड, हवन वगैरह यहीं पे होते हैं यूनिवर्सिटी, और MBA वगैरह वालों की MBA BBA वगैरह वो इधर है। MBA BBA तो ये सब कुछ इधर है, ये हमारा ऑडिटोरियम, यहाँ पे मतलब फंक्शन वगैरह होते हैं। कोई चक्कर नहीं भाई, आप इतों लेके चले हैं, वैसे 2 दिन दे दो। हाँ लड़कीगा कहाँ गई, लंची टेस्ट करके बता गया सर। तू गालियाँ दे रही होगी है ना, क्या आज मैं सोई उठी आई हूँ और तू ब्लॉग में ले रहा, इतनी अच्छी क्यों है कितने, तो उनको नाम पता चलेगा ना, सुंदर सी छोटी सी बच्ची, एक क्यूट सी लड़की घूमती है, उसको उसका नाम पता करना है ना, पहले तेरा नाम में म्यूट करूँगा, नाम ना पता चल जाएगा किसी को, नहीं देना तू खाना फिर कितने दूंगा, तेरा चेहरा इस स्पून के पीछे छुप जाएगा, ये बता मेरे को, ये बता मेरे, तेरा चेहरा छुप जाएगा जैसे हमें मर्डर करने को करेंगे। गाइस आज के लिए ब्लॉग के लिए इतना ही, और हम जा रहे हैं, मतलब इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, और नेक्स्ट टाइम देखते हैं कब बनता है, गेट टुगेदर होगा सभी के साथ, और सनसेट हो रही है बहुत अच्छा, और बस यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, आगे के लिए कुछ और प्लान है। ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, और ढेर सारा प्यार दे दो।
भाई अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और वो सामने लगी है गाड़ी। सनसेट बहुत प्यारा सनसेट होता है यहाँ पे, बस यही है देखने को और कुछ नहीं है। पढ़ाई पढ़ाई ओवर थी बस। इधर है जिम, जिम वाले लोंडों के लिए नीचे, इसी के नीचे जिम। और